सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, भारत सरकार की जो स्कीम है 2009 में एक श्रमिक पंजीयन सरकार ने योजना चलाया था बीओसी एक्ट के तहत, जो भी मजदूर हैं श्रमिक हैं वह कैसे मजदूर होना चाहिए, बिल्डिंग का काम करने वाला हो, बढ़ई ही है जो 40 प्रकार के मजदूर हैं, इन्हीं 40 प्रकार के मजदूरों पर लाभ ले सकते मजदूर इस हैं। व्यक्ति को नहीं जानते हैं, उस लाभ योजना तक उनकी पकड़ नहीं है, जानकारी नहीं है। उस जानकारी के लिए मैं आपको साझा कर रहा मजदूरों हूं, को सरकार की तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि लोग जो है अब जैसे ही वो व्यक्ति रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके परिवार में पहला नंबर अगर लड़की पैदा होगी तो उसको 15,000 है, लड़का पैदा होगा तो 12,000 है, लड़का बड़ा हो गया 5, 6, 7, 8 में पढ़ रहा है तो 150 रुपया उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे ही कक्षा 6 से लेकर के 10 तक बच्चा पढ़ रहा है 200 रुपया प्रति महीने के हिसाब से 2400 रुपया सालाना मिलेगा, जैसे ही कक्षा 11 और 12 में पढ़ रहा है तो 250 रुपया यानी उस व्यक्ति को 3,000 रुपया सालाना पढ़ रहा वजीफा है 10वीं में मिलेगा, पढ़ रहा है, उसको भी वजीफा मिलेगा। स्नातक में है तो 1,000 रुपया प्रति महीना मिलेगा, और जो इसके अलावा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में बच्चे दाखिला ले लेते हैं खुदा न खास्ता तो उसको भी सरकार जितना दिन पढ़ेगा 3 सालों तक वो सरकार उसकी जो फीस है वो सरकार वहन करेगी। यही नहीं, सरकार की तमाम स्कीमें हैं जो इस चीज को नहीं जानते हैं। आप लोगों से बता दें, अगर अपनी लड़की का यानी 18 साल की हो जा रही है अगर वो शादी करते हैं तो 55,000 रुपया उसको शादी का अनुदान मिलता है। ये सारी योजनाएं तो मिलती मिलती है एक जन्म से लेकर के, लेकिन उसको मरण तक यानी एक मजदूर को मरण तक जो है जब तक वो मजदूर मरेगा नहीं तब तक ये श्रम विभाग उसके साथ जुड़ा रहता है, श्रमिक पंजीयन उसका लाभ काम करता है। जैसे ही उसकी उम्र 60 साल हो जाए और वो 60 साल जैसे उम्र होती है उसको 1,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा, उसके लिए किसी के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी, जो रजिस्ट्रेशन पंजीयन उसको मिलेगा उस पंजीयन को डॉक्यूमेंट लेकर के जैसे ही उम्र 60 साल होगा वो फॉर्म भरेंगे उस विभाग में जाकर के, और वहां पर ऑनलाइन जैसे ही फॉर्म भरेंगे उसको महीना हर महीना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 60 साल से पहले उनका एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में 5 लाख 20 साल रुपया नुकसान अगर होती है, एक तिहाई हिस्सा नुकसान होती है तो 3 लाख, दो तिहाई नुकसान होती है एक हिस्सा में से दो हिस्सा नुकसान होती है तो 2 लाख, एक हिस्सा नुकसान होता है 1 लाख रुपया। अगर आपने विकलांगता हो गए एक्सीडेंट में तो 1500 रुपया प्रति योजना का लाभ मिल सके। इसके अलावा उस परिवार को जो मजदूर है अगर कहीं बीमार हो गया, किडनी कैंसर, टीबी, ट्यूमर, मस्तिष्क, लीवर कैंसर हो गया तो वो पूरा इलाज का पैसा जो पर्ची रहेगा वो जमा करेंगे, और जमा के उपरांत तो उनको पैसा वो श्रम विभाग उनके खाते में डालेगा। ऐसे इसके अलावा अगर परिवार में अपने ही मौत से मर गया, अभी साधारण मौत से मर गया किसान या मजदूर, जो मजदूर इसमें जुड़ा हुआ रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो मनरेगा मजदूर हैं जो रजिस्ट्रेशन ले लिए वो हैं, अपने जो परिवार में रजिस्टर जब तक वो जीते रहेंगे तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा। ये सरकार की स्कीम है और ये 2009 से चल रहा है, बहुत से कम लोग जान रहे हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, मजदूर भाइयों से निवेदन है जो तमाम तरह से मजदूरी का काम करते हैं रोज डेली दिन रात दिल्ली में, लखनऊ में, तमाम सिटियों में जाकर के, उनको जाकर के अपने जिले में रजिस्ट्रेशन कराएं, इसका लाभ लें।